नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ हस्तरेखा यानी पाल मिस्त्री के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे हाथ में हृदय रेखा के बारे में। हाथ के अध्ययन में हृदय रेखा को भी एक महत्वपूर्ण और आदर्शपूर्ण स्थान प्राप्त है। जीवन के नाटक में पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। पुरुषों और स्त्रियों के परस्पर प्रेम की भावनाओं का परिचय हाथ से भी प्राप्त होता है और यह भूमिका अदा करती है हृदय रेखा, जो बृहस्पति क्षेत्र से आरंभ होकर हाथ के ऊपरी भाग में शनि और सूर्य क्षेत्रों के मूल स्थान को पार करती हुई बुध क्षेत्र के मूल स्थान तक पहुँचती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हृदय रेखा के शुरू होने और अंत होने के स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। ज़्यादातर ग्रंथों में जैसे भविष्य पुराण, गरुण पुराण और स्कंद पुराण में इसका जिक्र मिलता है कि हृदय रेखा सबसे छोटी उंगली से शुरू होकर तर्जनी उंगली की ओर जाती है। आपको समझाने में परेशानी ना हो इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि यह रेखा तर्जनी की ओर से आरंभ होकर बुध क्षेत्र की ओर जाती है। जैसे ज्योतिष में सूर्य को चलायमान माना गया है जबकि चलती हमारी पृथ्वी है। हृदय रेखा को गहरी, सुस्पष्ट और अच्छे रंग की होनी चाहिए। उसके आरंभ के स्थान सब हाथों में एक समान नहीं होते। कभी वह बृहस्पति क्षेत्र के मध्य से, कभी तर्जनी और मध्यमा के बीच से और कभी शनि क्षेत्र के नीचे से आरंभ होती है। जब यह रेखा बृहस्पति क्षेत्र के मध्य से आरंभ हो तो जातक आदर्श प्रेमी होता है और अपने प्रेम पात्र की पूजा करता है। ऐसी रेखा वाला जातक प्रेम में दृढ़ और विश्वसनीय होता है। उसकी यह भी आकांक्षा होती है कि जिस स्त्री को वह प्रेम करता है या करे वह महान, कुलीन और प्रसिद्ध हो। ऐसा व्यक्ति अपने स्तर से नीचे की स्त्री से कभी विवाह नहीं करता और उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसके हाथ में हृदय रेखा शनि क्षेत्र के नीचे से आरंभ होती है वह बहुत कम प्रणय संबंध स्थापित करता है। कभी कभी हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र से या तर्जनी के नीचे से आरंभ होती है। जब रेखा की ऐसी स्थिति हो तो उपयुक्त गुणों में अधिकता हो जाती है। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति प्रेम में अंधा हो जाता है और उसको अपने प्रेम पात्र में कोई कमी या कमजोरी दिखाई नहीं देती। प्रेम के मामलों में प्रायः इस प्रकार के लोग दुख भोगते हैं और धोखा भी खाते हैं। जब वे देखते हैं कि जिसको वे प्रेम करते हैं और उनका वह प्रेम पात्र उतना उत्कृष्ट नहीं है जैसा वे चाहते या समझते थे, उनके आत्मभिमान जो उनका प्रधान गुण है को ऐसा आघात पहुँचता है जिसके प्रभाव से वे कभी उभर नहीं पाते। यदि हृदय रेखा तर्जनी और मध्यमा के बीच से आरंभ हो तो जातक प्रेम तो सच्चे मन से करता है परंतु शांत रहता है और उसके लिए बेचैन या अधीर नहीं होता। ऐसे लोग बृहस्पति क्षेत्र के आदर्श और आत्मभिमान तथा शनि क्षेत्र की दी हुई उत्तेजना और गरिमा दोनों के बीच के गुण ग्रहण करते हैं। न उनमें अधिक गरिमा होती है और न ही बृहस्पति क्षेत्र की उच्च अभिलाषा होती है। जब हृदय रेखा शनि क्षेत्र से आरंभ होती है तो जातक का प्रेम वासनापूर्ण अधिक होता है और इसलिए वह अपने प्रेम के मामलों में स्वार्थी होता है। घरेलू जीवन में वह अपने प्रेम का उतना प्रदर्शन नहीं करता जितना बृहस्पति क्षेत्र से आरंभ होने वाली रेखा वाले करते हैं। यदि हृदय रेखा मध्यमा के मूल स्थान से आरंभ हो तो जातक की वासना और रति क्रिया की ओर प्रवृत्ति अत्यधिक हो जाती है। यह मान्यता है कि वासना से वशीभूत लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसी रेखा वालों में यह दुर्गुण भी बहुत बढ़ जाता है। यदि हृदय रेखा अपने स्वाभाविक लंबाई से अधिक लंबी हो और करतल के एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाए तो प्रेम की भावनाओं में अधिकता आ जाती है और जातक में ईर्ष्या की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यह प्रवृत्ति और भी बढ़ जाती है जब हृदय रेखा आरंभ से उठकर तर्जनी के मूल स्थान में पहुँच जाए। यदि हृदय रेखा छिन्न भिन्न हो तो प्रेम में निराशा होती है। यदि शनि क्षेत्र के नीचे हृदय रेखा टूटी हो तो प्रेम संबंध जातक की इच्छा के विरुद्ध
टूट जाता है। परिणाम में दुख पहुंचाने वाले प्रेम का यह लक्षण है। यदि रेखा सूर्य क्षेत्र के नीचे टूटी हो तो आत्मविमान के कारण प्रेम संबंध में बाधा पड़ती है। यदि रेखा बुध क्षेत्र के नीचे टूटी हो तो प्रेम संबंध में कटुता या विच्छेद जातक की मूर्खता, लालच और विचारों की संकीर्णता के कारण होती है। यदि हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र पर दो छोटी शाखाओं के साथ आरंभ हो तो जातक निसंदेह सच्चे दिल का, ईमानदार और प्रेम में उत्साही होता है। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हृदय रेखा हाथ में ऊंचाई या नीचाई पर स्थित है। ऊंचाई सर्वोत्तम होती है क्योंकि इससे जातक प्रसन्नचित होता है। यदि हृदय रेखा नीची हो और शीर्ष रेखा की ओर ढलान लिए हुए हो तो जातक को प्रेम में अप्रसन्नता प्राप्त होती है, विशेषकर जीवन के प्रथम भाग में। जब हृदय रेखा आरंभ में शाखावत हो जाए, उसकी एक शाखा बृहस्पति क्षेत्र पर और दूसरी तर्जनी और मध्यमा के बीच चली जाए तो जातक संतुलित, प्रसन्नचित्त, सौभाग्यशाली और प्रेम में सुखी होता है। यदि एक शाखा बृहस्पति क्षेत्र पर रहे और दूसरी शनि क्षेत्र को चली जाए तो जातक का स्वभाव अनिश्चित होता है और स्वयं अपने ही कारण वह अपने वैवाहिक जीवन को कष्टपूर्ण बना देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ जानकारी आपको मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आपकी इच्छा है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं। बाकी आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। जय श्री राधे।